बगीचों से संबंधित कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था। लो हाइट्स में ऑलमोस्ट पेटल फॉल हो चुका है बहुत सारी जगह। उसके साथ साथ अब जो पेटल फॉल का प्रोसेस रहेगा, और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन और भी है पीजीआर से संबंधित है कि पीजीआर कब करें, तो मैं आपको पहले भी बताया कि या अर्ली मॉर्निंग कीजिए या लेट इवनिंग में कीजिए, और जो सबसे अच्छा समय है वो शाम का समय है, आफ्टर 5 बजे के बाद बहुत अच्छा समय रहता है जब ठंड रहती है, क्योंकि रात का जो टेम्परेचर वो बहुत ही अच्छा रहता है। और आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो इस वक्त मौसम चल रहा है वो बहुत ही उपयुक्त चल रहा है, अनुकूल चल रहा है फ्रूट सेटिंग के। जो हमारे मिडल और हाइट वाले बागवान हैं उन सबके अच्छी सेटिंग होगी। आपको मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ी सी पिंक बर्ड की स्प्रे जरूर करें, उसके बाद जो पेटल फॉल की स्प्रे आएगी वहां पर हमारे बागवान साथी कुछ एक लोग बहुत ही ज्यादा गलती कर देते हैं। फिर से बागवानों के माइंड में पहला जो स्प्रे आएगी वो आएगी इंसेक्टिसाइड की। इतनी ठंड है बागवान साथियों, ऐसे ठंड में कहां कोई कीड़ा आपके फ्रूट को डैमेज करेगा, अगर डैमेज करेगा भी तो कितना कर लेगा, आप लोग ये जरूर देख ले कि कितने परसेंट डैमेज करेगा, क्योंकि अगर सेटिंग बहुत अच्छी हुई है कितने फ्रूट को डैमेज करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड से निकालनी पड़ेगी ये बात। अगर आप इंसेक्टिसाइड पे भी जाएंगे तो डेफिनेटली आपको आगे माइट से सामना करना पड़ेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। अब बड़ी बात आती है कि अब आप ऐसी कौन सी स्प्रे करें, तो बागवान साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, पेटल फॉल पे अभी इतना स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अभी सिंपली आप लोग जो ट्रेड नेम से चलता है लाइक रोको रोको आप डाल सकते हैं, माइक्रो बुटालीन आप डाल सकते हैं फंगिसाइड में, और उसके साथ साथ अगर कोई न्यूट्रिशन डालना चाहता है ऐड करके, तो बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन है, 19-19-19 आता है एनपीके, और बहुत सारे लोग जो 0-49-32 भी डालते हैं। आप इस तरह तरीके का कोई भी एक टॉनिक उसके साथ ऐड कर सकते हैं पेटल फॉल पे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।